होगा M2 का, जब परफॉर्मेंस होगा वो होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2GHz तक मिलेगा, स्नैपड्रैगन 660 मिलेगा और 4GB का रैम, 64GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा और MSM89566 का बहुत ही अच्छा चिपसेट मिलेगा जो स्नैपड्रैगन की तरफ से होगा। और उसमें जो डिस्प्ले मिलेगा वो 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा 60 cm के साथ, 2022 पिक्सल डेंसिटी, 401 IPS LCD कैपेसिटी, टच स्क्रीन कॉर्निंग ग्लास वर्जन 6 इसमें पहली बार देखा जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा। और इसके जो कैमरा होगा 12MP प्लस 5MP के डुअल प्राइमरी कैमरा और डुअल कैमरा LD प्लस 13MP फ्रंट कैमरा ऑटो फोकस के साथ। जो M1 का कैमरा था बहुत ही घटिया था पहले, उसके बाद जो अपडेट दिया बहुत ही अच्छा होगा, ये वाला बहुत ही अच्छा कैमरा होगा मेरे हिसाब से। और जो बैटरी होगा इसका 5000mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी होगा, वो 2 दिन तक आपका बैटरी बैकअप दे देगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बैटरी बैकअप मिलेगा। और डिस्प्ले इसका नॉच के साथ आता है और बैटरी तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जेटफोन मैक्स M2 बहुत ही अच्छा मिड रेंज फ़ोन होने वाला है 2018 के हिसाब से, ठीक है, तो बहुत ही खरीदना जरूर, ठीक है, ये फ़ोन जरूर खरीदना, वेट करो ये फ़ोन के लिए। और टेक्निकल बाबन का सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट।